आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया। दोस्तों क्या आप भी कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग ऐप जूम का इस्तेमाल? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों ये आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो टेक्नो हेल्पर यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो कॉलिंग सर्विस जूम पिछले काफ़ी समय से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है, वहीं अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम में भी इस ऐप का इस्तेमाल अपने ऑफिस वाले लोगों से जुड़े रहने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों इस स्थिति में अब जूम ऐप का इस्तेमाल पहले से भी ज़्यादा होने लगा है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में इस ऐप को लेकर कहा गया है कि यह लोगों का डाटा फेसबुक के साथ शेयर कर रही है। दोस्तों अगर आप भी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका अकाउंट फेसबुक पर नहीं है, तब भी आपका डाटा शेयर किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं आपका डाटा कैसे शेयर किया जा रहा है। बिच की टेक ब्रांच मदरबोर्ड द्वारा एक रिसर्च की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि जूम की iOS ऐप चुपचाप यूजर का एनालिटिकल डाटा फेसबुक के साथ शेयर कर रही है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट फेसबुक पर नहीं है तो भी यह डाटा शेयर किया जा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें इस डाटा में ऐप कब ओपन की गई है, डिवाइस और लोकेशन की जानकारी, फोन नेटवर्क और एनालिटिकल डाटा शामिल है। वेल, आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि ये डाटा शेयर क्यों कर रही है। दोस्तों हम आपको बता दें जूम ऐप फेसबुक के साथ डाटा इसलिए शेयर कर रही है क्योंकि यह ऐप फेसबुक के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स का इस्तेमाल करती है। ऐसे में जब भी कोई यूजर्स जूम ऐप को डाउनलोड और लॉन्च करता है तो तुरंत ही वह फेसबुक ग्राफ APN से कनेक्ट हो जाता है, और ऐसे ही यूजर का डाटा फेसबुक के साथ शेयर होने लगता है। दोस्तों हम आपको बता दें जूम की प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा गया है कि ऐप यूजर का डाटा उसकी फेसबुक प्रोफाइल से कनेक्ट करेगी, जिसे थर्ड पार्टीज के साथ शेयर किया जा सकता है। हालांकि फेसबुक का नाम स्पष्ट रूप से थर्ड पार्टी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों यहां पर इसके संकेत नहीं है कि जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका डाटा शेयर किया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये ऐप आपके लिए कितना खतरनाक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय, और हाँ अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखना।